नमस्कार मित्र, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ज्ञान की बात केशव मंगई के साथ में। मैं हूं आपके साथ केशव। हमारी इस मनी मैग्नेट की सीरीज में जो हमारा तीसरा स्टोन है वो है एवेंचुरिन, ग्रीन एवेंचुरिन। ये बहुत अच्छा स्टोन होता है। ग्रीन कलर बेसिकली धन का कलर माना जाता है, धन का रंग माना जाता है। और जो हमारा मनी ब्रेसलेट है उसमें भी हम एवेंचुरिन स्टोन को यूज करते हैं। बहुत अच्छा वर्क करता है। देखिए मित्रों, आप इस एवेंचुरिन स्टोन को धारण करते हैं तो आपकी ओरेटरी स्किल्स अच्छी हो जाती हैं। आपका जो अनाहत चक्र है, हृदय चक्र एक्टिवेट होता है, जिससे आप अबंडेंस और सब चीज़ का एक्सेप्टेंस करते हैं। आप सबको एक्सेप्ट करते हैं, सब आपको एक्सेप्ट करते हैं। ये बहुत अच्छा स्टोन है हार्ट डिजीज के लिए, क्योंकि हार्ट चक्र से रिलेटेड है और हार्ट डिजीजेस के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको कभी ऐसा लगता है, ये हार्ट पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। कार्डियो पेशेंट्स जो होते हैं उनके लिए ये स्टोन बहुत अच्छा है। वो क्या कर सकते हैं, टंबल ले सकते हैं, जो ये टंबल्स होते हैं ये टंबल्स ले सकते हैं। और उस टंबल को हम बड़े अच्छी तरह से इसको रैप करते हैं कॉपर वायर से। कॉपर इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी का बड़ा अच्छा कंडक्टर होने के कारण इसको कॉपर वायर में रैप करके आप एज अ चेन इसे धारण कर सकते हैं। और आपके ये यहाँ अनाहत को टच करना चाहिए, या आपके हृदय चक्र को टच करना चाहिए, तो ये उसे एक्टिवेट कर देता है। आपकी जो हृदय की संबंधित प्रॉब्लम्स होती हैं उनको ठीक कर देता है। उच्च रक्तचाप, अगर किसी व्यक्ति को उच्च रक्तचाप है, उसका जो ब्लड प्रेशर वो हाई है या लो है, तो ये दोनों उसके लिए, ये दोनों बीमारियों के लिए ये जो ये जो ग्रीन एवेंचुरिन स्टोन है बहुत अच्छा काम करता है। आप क्या कर सकते हैं, आप इसे अनाहत चक्र पे रख लीजिए। थोड़ी देर अनाहत चक्र पे रख लीजिए, थोड़ा मेडिटेट करिए, शांत रहिए, शांत अपनी दिल की धड़कन सुनने की कोशिश करिए, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाएगा। ब्लड प्रेशर की मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, जो मिडिल फिंगर होती है उसको आप थंब की मदद से ऐसे आप उसको प्रेस करिए अपनी मिडिल फिंगर को, इससे भी ब्लड प्रेशर बहुत जल्दी कंट्रोल होता है। बाकी मेडिसिन्स आपको ज़रूर लेनी चाहिए। एवेंचुरिन स्टोन आपको साहस देता है। आपको कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो सामने वालों के सामने कुछ बोल नहीं पाते, उनकी मीटिंग्स होती हैं, इम्पोर्टेंट बिजनेस मीटिंग्स होती हैं, और जो बिजनेसमैन होते हैं और जो एक कोई डिपार्टमेंट में कोई बड़ी पोस्ट में होते हैं, तो उनको आए दिन किसी बड़े अफसर से, बड़े अधिकारी से मिलना जुलना पड़ता है। तो उन ऑफिसर्स के सामने वो घबराए ना, पैनिक ना हो, और अपने फायदे की बात कैसे निकलवाए, तो एवेंचुरिन स्टोन बहुत बढ़िया है। धन के लिए तो बढ़िया ही है। जब आपकी ब्रेन अच्छा हो जाएगा, आपको ये आइडियाज देता है। जो हमारे जो मनी मैग्नेट ब्रेसलेट है उसमें जो भी स्टोन्स यूज करे गए हैं उससे आपको जो है नई नई टेक्निक्स मिलती हैं। आप धन कैसे अपना बढ़ा सके, आप धन में कैसे वृद्धि कर सके, और धन का संचय। देखिए, धन कमाना आसान है, कमाना बहुत आसान है, धन का संचय करना बहुत मुश्किल है। और धन सबसे आसान चीज़ है, अगर आप कमाना चाहें तो धन सबसे आसान होता है कमाना। मेहनत पे बेस्ड है, मेहनत करिए, धन आसानी से कमाएंगे। परंतु प्रारब्ध बहुत बड़ी चीज़ है, प्रारब्ध भी बड़ी चीज़ है। कर्म आपका, मेरे मानने में कर्म सिर्फ से आपका 30% कर्म होता है, बाकी 70% आपका, 70% जोर दे रहा हूं इस बात में, कोट भी कर रहा हूं, 70% इस आपका जो प्रारब्ध बहुत बड़ी चीज होती है, 70% आपका प्रारब्ध होता है, 30% कोट करके बोल रहा हूँ, 30% आपका कर्म होता है। अब बहुत सारे बोलेंगे हम तो कर्म प्रधान हैं, हम नहीं जानते आपका ये ज्योतिष शास्त्र और हम आप इसके यकीन नहीं करते। परंतु जो अपने कर्म के साथ साथ ज्योतिष का समाधान ले, ज्योतिषी का मार्गदर्शन ले, और एक अच्छे ज्योतिष की संगत में रहे। देखिए, ज्योतिष तो काफी मिलेंगे, एक अच्छा और योग्य ज्योतिष आचार्य, उसके अगर आप उसके साथ रहते हैं या उसके आप उससे सलाह लेकर कार्य करते हैं, तो आपका कार्य कभी खाली नहीं जाएगा, आपको हमेशा सफलता जरूर मिलेगी। चाहे आपको 60% ही सफलता मिले, परंतु आपको सफलता मिलेगी। जीरो से तो अच्छा सफलता ही मिले, चाहे कम मिले, पर जीरो से कुछ नहीं, लॉस से तो अच्छा सफलता ही है। तो मित्रों, आशा करता हूं आपको यह आज की जानकारी बहुत अच्छी लगी हो, और आप
जो है एवेंचुरिन स्टोन को बहुत यूज करिए, बहुत अच्छा रहेगा घर में सुख शांति बढ़ाने के लिए। एवेंचुरिन स्टोन बहुत अच्छा स्टोन है। अगर आपके घर में कोई भी प्रॉब्लम्स है रिलेटेड टू हार्ट डिसऑर्डर्स, ब्लड प्रेशर, तो इस स्टोन को यूज़ करिए, बहुत अच्छा रहेगा। आशा करता हूँ आज की जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी हो, और मेरे इस चैनल को प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आशा करता हूँ आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार।